दुनिया की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स जिन्हें खरीदने के लिए हर साल लोगों की लाइन लगी रहती है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले 10th नंबर से स्टार्ट करेंगे तो 10th नंबर यहाँ पर हीरो कंपनी की पैशन है। हालांकि पिछले महीने भी इसी पोजीशन पर थी और इसके फोर में टोटल 22,327 यूनिट इसके बेचे गए हैं, जबकि अप्रैल महीने के मुकाबले में इसकी बिक्री में 13.30% की इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। वहीं सीरीज में 9 नंबर पर है रॉयल एनफील्ड की आने वाली क्लासिक 50 है। पिछले महीने यह नंबर पर थी, इस महीने थोड़ा सा पीछे आ गई है और इसके मई में 23,779 यूनिट इसके टोटल बेचे गए हैं, जबकि इसके पिछले मुकाबले में 9.30% इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। और इकलौती मोटरसाइकिल 350 सीसी में, जो कि हर महीने टॉप 10 की लिस्ट में आती रहती है, विस लिस्ट में जो नंबर पर होंडा कंपनी की यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न में काफी बेसिक फीचर्स मिलते हैं लेकिन फिर भी इसकी सेलिंग काफी अच्छी होती है। और यह पिछले महीने 9th नंबर पर थी, इस महीने थोड़ा सा आगे गया है क्योंकि इसके 24 में टोटल 24,740 यूनिट इसके बेचे गए हैं, जबकि इसके पिछले मुकाबले में 4.44% इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। वहीं इस लिस्ट में 7th नंबर पर बजाज कंपनी की प्लेटिना है। प्लेटिना भी पिछले महीने इसी नंबर पर थी और इसके मई में टोटल 30,239 यूनिट इसके बेचे गए, जबकि इसके पिछले मुकाबले में 31.36% इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। वह इस लिस्ट में 6 नंबर पर टीवीएस कंपनी की आने वाली राइडर 15 है। पिछले महीने या फिर इस महीने थोड़ा सा पीछे आ गई है क्योंकि इसके मई में 37,249 नोट इसके भेजे गए, जबकि पिछली मैंने मुकाबले में 27.0% इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। वहीं इस लिस्ट में 5th नंबर पर टीवीएस कंपनी की अपाचे है। इसने टीवीएस रेड को इस महीने पीछे कर दिया गया क्योंकि पिछले महीने 6th नंबर पर थी और इसके मई 24 में टोटल 37,906 यूनिट के बेचे गए हैं, जबकि इसके पिछले मुकाबले में 16.7% की इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। वहीं इस लिस्ट में 4th नंबर पर हीरो कंपनी की HF डीलक्स है। यह पिछले महीने इसी नंबर पर थी और इसके 2 में 87,143 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 10.21% इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। वहीं इस लिस्ट में 3rd नंबर पर बजाज कंपनी की आने वाली पल्सर है और यह पिछले महीने 2nd नंबर पर थी। इस महीने थोड़ा सा पीछे आ गई है क्योंकि इसकी मई में टोटल 1,28,480 नोट इसके टोटल बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 11.2% के इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। उसके सेलिंग में पिछले महीने मुकाबले में कमी आई है, इसलिए साइन ने इसको पीछे कर दिया है। क्योंकि साइन इस महीने 2nd नंबर पर है, जो कि होंडा कंपनी के साइन है जिसमें SPV मॉडल शामिल है, और इसके मई 4 में टोटल 1,49,054 यूनिट्स बेचे गए, जबकि पिछले मुकाबले में 4.42% के इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर, ऑल टाइम पहले नंबर पर रहने वाली हीरो कंपनी की स्प्लेंडर है और मई में इसके टोटल 3,04,663 यूनिट्स बेचे गए हैं, जबकि पिछले मुकाबले में 5.0% की इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। ये 10 मोटरसाइकिल्स हैं जिनकी सेलिंग मई में सबसे ज्यादा हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनमें से जो भी मोटरसाइकिल इस महीने शामिल है, सभी की बिक्री में कुछ ना कुछ कमी आई है। इसके पिछले महीने मुकाबले में केवल होंडा शाइन को छोड़कर, क्योंकि होंडा शाइन की बिक्री में पिछले महीने मुकाबले में 4.2% की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो मई में कहीं ना कहीं जो बाइक्स की बिक्री हुई है अप्रैल के मुकाबले में थोड़ा सा कम हुई है। तो इनमें से कौन सा मोटरसाइकिल आपने मई में परचेज किया है या फिर आगे परचेज करने के लिए सोच रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन सा मोटरसाइकिल आपको ज्यादा बेहतर लगता है यह भी अब बता सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो वीडियो है हर महीने आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। आगे आने वाले वीडियो में आपको स्कूटर्स के ऊपर वीडियो मिल जाएगा कि कौन से 15 स्कूटर्स सबसे बेसिक हैं, इंडियन मार्केट में उसकी झनकैया को मिल जाएगी। यहां पर सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।